अरे बाबा मजा नहीं आ रहा है। मजा आया। हैकर, हैकर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं मनु, स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल खूनीगर्स में। तो भाई आज की वीडियो का थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोग फ्री फायर गेम खेलते टाइम किसी भी बंदे को मारने के लिए डिजिटल गन का यूज करते हो, उस टाइम पे आप लोगों के बन टैप नहीं पड़ते या फिर आप लोगों को हेडशॉट मारने में प्रॉब्लम आती है। देखो ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप लोगों के फ्री फायर के अंदर कोई भी अपडेट आता है। जैसे आप लोगों के फ्री फायर के अंदर दो अपडेट आते हैं, एक तो वो होता है जो आप लोगों का मिनी अपडेट होता है जो कि 3-4 MB या फिर 10 MB तक का होता है, एक होता है आप लोगों का बड़ा अपडेट जो कि आप लोगों की 200-300 या फिर 1 GB तक का होता है जो कि अभी आप लोगों का रिसेंटली आया था। और उस टाइम पे होता क्या है कि जब जब फ्री फायर के अंदर कोई भी अपडेट आता है उस टाइम पे आप लोगों की जो पूरी की पूरी सेंसिटिविटी होती है वो बिगड़ जाती है। उस टाइम पे ना तो आप लोगों के बन टैप पड़ते हैं और ना ही आप लोगों के हेडशॉट पड़ते हैं। भाई मुंह की बात छील ली। तो भाई आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बेस्ट डिजिटल ईगल सेंसिटिविटी सेटिंग, प्लस में आपको मैं बेस्ट फायरबॉल बटन की साइज उसकी पोजीशन के बारे में बताने वाला हूं। तो मेरी तुम सभी से आज एक छोटी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। तो चलो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में 400 डायमंड का गिवअवे और चलेंगे। आप में से 4 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड ने वो दूंगा। तो गाइस अगर आप लोग गिवअवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फ्री फायर के अंदर फ्री में 400 डायमंड जीतना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोगों को आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को बस अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डाल देना है। तो आप में से 4 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड ने वो दे दूंगा। ओके, देखो यहां पर मैं आपसे कोई आपके आईडी पासवर्ड नहीं मांगता, ना ही मैं आपसे कोई पैसे वैसे मांगता हूं। बस इतना बोलता हूं कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डालना है। तो चलो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की ट्रिक के बारे में। बात बोए गाइस आप लोगों की डिजिटल ईगल के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी। ओके, यहां पर जो मैं आपको सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाला हूं वो आपकी परमानेंट सेंसिटिविटी सेटिंग होने वाली है। आप लोगों को कभी भी अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं आप लोगों की सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। तो जैसे ही आप लोग अपनी सेंसिटिविटी के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको टोटल 6 सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। अब ये जो यहाँ पर आपको 6 सेंसिटिविटी देखने को मिल रही है इनमें से आप लोगों की डिजिटल ईगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेंसिटिविटी वर्क करती है। पहली तो होती है आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी और दूसरी होती है आप लोगों की रेट्रो सेंसिटिविटी। इसके अंदर आप लोगों की कोई भी स्कोप सेंसिटिविटी वर्क नहीं करती है क्योंकि डिजिटल ईगल गन के अंदर कोई भी स्कोप नहीं होता है। देखो आप में से शायद 50% बंदे ऐसे होंगे जिनको ये बात आज तक नहीं पता थी कि फ्री फायर के अंदर डिजिटल गन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेंसिटिविटी पर करते हैं। जिन गन के अंदर आपका कोई भी स्कोप नहीं लगता है या फिर जिन गन के अंदर आप लोगों का स्कोप नहीं होता है उनके अंदर आप लोगों की 2 ही सेंसिटिविटी वर्क करती है। जैसे आप लोगों की M87 हो गई, M1014 हो गई, स्पास हो गई, डिजिटल गन हो गई, इनके अंदर आप लोगों कोई भी स्कोप नहीं होता है तो इनके अंदर आप लोगों की स्कोप सेंसिटिविटी वर्क नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी के बारे में बात कि आप लोग अगर डिजिटल गन का यूज करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को जनरल सेंसिटिविटी को कितना रखना है। तो भाई देखो अगर आप लोग डिजिटल गन का यूज करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को अपनी जनरल सेंसिटिविटी जो होती है उसे कर देना 98% सेट। लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी है कि आप लोगों की जो सेंसिटिविटी होती है डिजिटल के लिए वो आप लोगों की हमेशा 95+ होनी चाहिए। ठीक है, 95+ में आप लोग 96, 97, 98, 99 तक रख सकते हो, लेकिन कभी भी आप लोगों को अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 100% नहीं करना है। उसके बाद आती है आप लोगों की रेट्रो सेंसिटिविटी। रेट्रो सेंसिटिविटी को यहाँ पर मैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगा। पहला तो होता है आप लोगों का 30, अगर आप लोगों के 30 पे हेडशॉट नहीं पड़ते हैं तो उसके बाद आप लोगों को अपनी रेट्रो सेंसिटिविटी को थोड़ा सा बढ़ाना है और उसे कर देना 70% सेट। अब देखो जब आप लोग अपनी रेट्रो सेंसिटिविटी को 30% सेट करते हो उस टाइम पे अगर आप लोगों के बन टैप नहीं पड़ते हैं उसके बाद आप लोगों को इसे 70% करना है। 70% भी अगर आप लोगों के बन टैप शॉट नहीं पड़ते हैं तो उस टाइम पे आप लोगों को अपनी रेट्रो सेंसिटिविटी को उतना कर देना जितना आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी होती है। जैसे अगर आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी 98 है तो उस टाइम पे आप लोगों को अपनी रेट्रो सेंसिटिविटी को भी 98% सेट करना। अगर आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी 95 है तो उस टाइम पे आप लोगों को रेट्रो सेंसिटिविटी को भी 95 पे ही सेट करना है। जितनी आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी होती है उतना ही आप लोगों को रेट्रो सेंसिटिविटी को भी रखना है। तो ये तो कोई आप लोगों की डिजिटल के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग। अभी हम बात करते हैं बेस्ट फायरवॉल बटन की साइज उसकी पोजीशन के बारे में बात। लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी से आज एक छोटी रिक्वेस्ट और है। जैसा कि आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हमारी 8.5 लाख फैमिली कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ हमारे 9000 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं। तो मेरे भाई मैं तुम सभी से बस एक छोटी रिक्वेस्ट करूंगा, क्या देखो एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मैं आपको ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूं। तो इसके बदले बस आपके थोड़े सपोर्ट की
रहता है। अगर आप लोग चाहो तो ये काम आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में ही कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना। अब यार देखो आप लोगों से मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक बार मेरे कहने से नीचे की साइड देखो आपको लाइक वाला बटन भी दिखेगा और सब्सक्राइब वाला बटन भी दिखेगा। तो सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना है क्योंकि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। तो चलो अभी हम बात करते हैं बेस्ट फायरवॉल बटन की साइज उसकी पोजीशन के बारे में बात। तो देखो जैसा कि तुम सभी को पता होगा कि मैंने कुछ दिन पहले या फिर मैंने अपनी वीडियो में प्रूफ के साथ बताया कि फ्री फायर के अंदर आप लोगों को जो फायरवॉल बटन का साइज होता है वो वन टैप मारने के लिए ज्यादा मैटर नहीं करता है। और ये बात भी तुम सभी को पता है कि अगर फ्री फायर के अंदर कोई भी फायरवॉल बटन की साइज मैटर करती है किसी भी बंदे को वन टैप मारने के लिए, किसी भी बंदे को हेडशॉट मारने के लिए, तो आप लोगों के भी फायरवॉल बटन की साइज वही होती है, मेरे भी फायरवॉल बटन की साइज सेम होती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँ तो आप लोगों को हमेशा अपना जो फायरवॉल बटन का साइज होता है उसे आप लोगों को 45 से लेकर 55 तक के बीच में रखना, यानी ये सबसे बेस्ट फायरवॉल बटन की साइज होती है किसी भी बंदे को हेडशॉट मारने के लिए, किसी भी बंदे को वन टैप मारने के लिए। तो ये तो आप लोगों के फायरवॉल बटन की साइज के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं इसके सबसे मेन टॉपिक वो है फायरवॉल बटन की पोजीशन की। आप लोगों को अपने फायरवॉल बटन की पोजीशन कितनी रखनी है जिससे कि आप लोगों के ओनली ऑन रेड नंबर ही पड़े। तो इसके लिए आप लोगों को हमेशा अपना जो फायरवॉल बटन का पोजीशन होता है उसे आप लोगों को नीचे थोड़ा सा ऊपर की साइड रखना है, जहां पर मैंने अभी रख रखा है। क्योंकि अगर आप लोग इसे बिल्कुल ऊपर की साइड रखोगे तो उस टाइम पर आप लोगों के लिए ड्रैग करने के लिए काफी कम स्पेस बनेगा। अगर आप लोग इसे बिल्कुल नीचे की साइड चिपका के रख दोगे तो उस टाइम पर आप लोग रोटेशन ड्रैग नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को हमेशा अपना जो फायरवॉल बटन का पोजीशन होता है उसे आप लोगों को नीचे से थोड़ा सा ऊपर की साइड रखना है। ओके, अगर आप लोगों को फ्री फायर के अंदर फ्री में 2 डायमंड चाहिए तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रखी है। लेकिन जाते जाते मैं तुम सभी से वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार देखो अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा के आप लोगों को 9000 फैमिली अपनी जो है वो कंप्लीट करवानी है। और आज जो जो बंदा सब्सक्राइब करे कमेंट बॉक्स में जाके न्यू सब्सक्राइबर लिख कमेंट कर देना है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। होप करता हूँ आप लोगों को आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा।